हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड, जब से ग्रुप डी एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है, काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया एक फाइनल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया बेस्ट बुक रिकमेंड करिए, किस लास्ट टाइम में हम कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि एग्जाम में 80 प्लस स्कोर लेकर आ सके सेल्फ स्टडी करके ही। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली आपके लिए फुल डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको बेस्ट बुक भी रिकमेंड करूंगा जिनके थ्रू आप घर पे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। साथ ही एक फुल डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको इन बचे हुए टाइम में ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओ। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आखिर तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा। चार सेक्शन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 90 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। बेसिक्स है, सभी लोगों को पता ही होगा। फाइनली शुरुआत करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। आगे चल के मैं आपको बेस्ट बुक भी रिकमेंड करूंगा, यहां तक कि आपको बेस्ट मॉक टेस्ट भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक अच्छी सी बुक भी रिकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई फोकस सेक्शन के बारे में, यानी कि इन बचे हुए टाइम में आपको कौन से सेक्शन के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, कौन से सेक्शन को आपको प्रायोरिटी पर रखना है, जिस सेक्शन को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है वो हमारा एक है जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका प्रायोरिटी सेक्शन जनरल साइंस रहना चाहिए। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, दोनों सेक्शन को मिलाकर 45 मार्क्स हो जाते हैं। ये दोनों सेक्शन आपको 45 मार्क्स देंगे, इसलिए आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम जो आपको देना है वो दोनों इन दोनों सेक्शन के ऊपर देना है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों सेक्शन के ऊपर आपको देना है। समझ गए? बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा स्टडी टाइम ड्यूरेशन। काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि भैया इस बचे हुए टाइम में ग्रुप डी को डेली कितना टाइम दे, डेली हमें कितना पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम को हम अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्रैक कर ले। देखिए यार, ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप डेली डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्टडी को 5 घंटा भी दे रहे हो तो भाई बहुत है। बस डेडिकेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, 5 घंटा डेली पढ़िए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, बहुत अच्छी इफिशियंसी निकल के आएगी। बस 5 घंटा डेडिकेशन के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े उसमें से आधा घंटा तो फोन में निकाल दिया, बार बार उठ के जा रहे हो, नहीं भाई, दो घंटे के बढ़िया बढ़िया स्लॉट दीजिए, एकदम फोकस के साथ पढ़िए, फिर देखिए क्या गजब की इफिशियंसी निकल के आती है। बाकी अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे पाते हो, 6 से 7-8 घंटा दे पाते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 घंटा बहुत होता है डेली प्रिपरेशन का। बात कर लेते हैं स्टडी फॉर्मेट की। जितना भी टाइम आपके पास बचा है, आपका स्टडी फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं ग्रुप डी की प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज, टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, पहला काम आपका यह है। दूसरा आपका मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लगाते हुए चलना है, आपको जितना ज्यादा हो सके अपने एग्जाम तक मॉक पेपर के ऊपर काम करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने ग्रुप डी एग्जाम के लिए, वैसे आगे बताऊंगा कि मॉक किस तरीके से लगाएं। तीसरा है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 2018 का जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर डालिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर सर्च करिए, पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए और डेली कम से कम 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भाई इस फॉर्मेट में आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको मॉक पेपर के ऊपर काम करना है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर काम करना है। इस फॉर्मेट में 50 से 60 दिन प्रिपरेशन कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रुप डी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ प्रिपरेशन करने से। आगे बता रहा हूं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। बात कर लेते हैं भाई बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए, सेल्फ स्टडी के ऊपर बिलीव करता हूं, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब सेल्फ स्टडी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है इस बचे हुए टाइम में ग्रुप डी एग्जाम के लिए, वो सुन लीजिए। सबसे पहली जो बेस्ट बुक मुझे फिलहाल लगी, बहुत सारी बुक मैंने एनालाइज की, जो सबसे बेस्ट बुक निकली मेरे हिसाब से वो आपको रिकमेंड कर रहा हूं। एक बुक आएगी भाई, स्पीडी की बुक आएगी, ये सामान्य अध्ययन के नाम से आती है, जिसमें रेलवे के 1992 से लेकर 2021 तक सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2018 ग्रुप डी ले लीजिए, 2018 ALP ले लीजिए, 2020
20 एनटीपीसी ले लीजिए, 2015 एनटीपीसी पूरे रेलवे के जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो भाई जो आपका ग्रुप डी में जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना, करंट अफेयर वाला सेक्शन है, वो ये बुक आपका अच्छे से कवर करा देगी। बहुत बढ़िया बुक मुझे लगी, इस बुक को कवर कर डालिए, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सेकेंड बुक मैंने आपको बताया मॉक पेपर के ऊपर काम करना है, चाहे तो आप ऑनलाइन मॉक पेपर लगा लीजिए या फिर आप ऑफलाइन मॉक पेपर लगा लीजिए। ऑफलाइन मॉक पेपर के एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही पब्लिकेशन आप परचेज करो, कोई भी हो सकता है। दिशा पब्लिकेशन के आते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन के आते हैं, किरण पब्लिकेशन का आता है या फिर अरविंद पब्लिकेशन का आता है। कोई ऐसी ऑफलाइन बुक भी परचेज कर सकते हो जिसमें 30-20 मॉक टेस्ट दिए हो। एक दिन छोड़ के मॉक पेपर लगाइए, एक दिन वैसे पढ़िए, एक दिन मॉक लगाइए, फिर एक दिन गैप देके फिर मॉक लगाइए। तो ऑफलाइन मॉक भी आप परचेज कर सकते हो, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट भी होने चाहिए जो कि आप आने वाले टाइम में सोल्व कर सको, जिनके ऊपर आप आने वाले टाइम में प्रैक्टिस कर सको। ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गए हमारी दो चीज। अब तीसरी बुक सुनिए, तीसरा हमारा सेक्शन आ जाता है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर के लिए मैं आपको वन एंड ओनली रिकमेंड करूंगा हमारा खुद का वे टू सक्सेस का ईयरली जो करंट अफेयर का बुक आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में परचेज कर सकते हैं। पूरे साल का करंट अफेयर, इंपोर्टेंट करंट अफेयर, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड से कवर किया हुआ है, साथ ही एमसीक्यू भी है, वन लाइनर भी है, पूरा डिटेल से कवर है। लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर आपका इस बुक से अच्छे से कवर हो जाएगा, इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, करंट अफेयर के आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे बेस्ट बुक करंट अफेयर के आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। ये होगी करंट अफेयर। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस से लगभग जो 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जनरल साइंस के लिए भी मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा, हमारा खुद का ही एक थ्योरेटिकल बुक आता है जनरल अवेयरनेस का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको जनरल साइंस पढ़नी है ना, तो इंग्लिश वाले वर्जन की मैं आपको बुक पेज बता देता हूं कहां से कहां तक है। ये देखिए पेज नंबर लगभग 50, ये वाली जो बुक है ना इसका इंग्लिश एडिशन है, पेज नंबर 50 से लेकर इसमें पूरा जनरल साइंस का पोर्शन कवर किया हुआ है, सभी इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर्ड है, चाहे आपका फिजिक्स हो उसके सभी टॉपिक्स है, केमिस्ट्री बायो सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड है। इसको कवर कर लीजिए, आपका जनरल अवेयरनेस सॉरी जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पक्के हैं। और इसी के लास्ट में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। और बाकी इसके शुरुआत में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, केवल इंपोर्टेंट, इससे बड़ी बड़ी बुक भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ऑब्वियसली ल्यूशन बहुत बड़ी बुक है, बहुत ज्यादा मटेरियल उसके अंदर दिया हुआ है, इसके कंपैरिजन में हमारी वाली बुक तो बहुत ही छोटी है, केवल 150 पेजेस है, लेकिन हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है वो कवर किया है, ताकि स्टूडेंट को कुछ भी फालतू का ना पढ़ना पड़े। 2-2.5-3 साल आप बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब टाइम है 60 डेज में पढ़ने का, तो 60 डेज में आप इस बुक को अच्छे से कवर कर सकते हो। जनरल साइंस भी आपकी इसके अंदर से कवर हो जाएगी, पूरा जनरल अवेयर भी इसके अंदर से आपका कवर हो जाएगा, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। और अगर हो सके ये जो हमारी वे टू सक्सेस की ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, इसको कवर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और लास्ट में लगभग 800 के आसपास इंपोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की प्रॉब्लम छूट जाएगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के बारे में, मैथ्स के लिए आपको कोई बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर डॉक्टर आर एस अग्रवाल एस चंद्र का कोई भी बुक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उसके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई बड़े लेवल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल बहुत बढ़िया बुक है, सोल्यूशन भी दिए हुए क्वेश्चंस के, तो बढ़िया लेवल की बुक है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। रीजनिंग रह गया 25-30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग, ये वाला अरिहंत का कोई भी रीजनिंग का बुक परचेज कर लीजिएगा, मेरे पास आर के झा का है, आप जय किशन प्रेम किशन या फिर मास्टर रीजनिंग, तो बहुत बड़े लेवल की बुक हो जाएगी, इन बुक से आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो भाई ये बुक मैंने आपको बताई 4-5, अगर आपके पास नहीं है वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वैसे होंगे, बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी बुक है, सभी बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 60 डेज है भाई, एग्जाम में आप खतरनाक
परफॉर्मेंस निकाल के आओगे। 60 डेज के अंदर बहुत अच्छे से सभी बुक के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस की या फिर ऑनलाइन लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से सेल्फ स्टडी इन बुक से अगर आप कर रहे हो बहुत बढ़िया स्कोर आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है, फुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। तो भाई ये बात होगी हमारी बेस्ट बुक की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स सबसे पहले एक पॉइंट को समझिए, स्टार्ट प्रिपरेशन विद वीक टॉपिक्स, यानी कि अब जो आपको ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है वो आपको सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक से शुरू करनी है, यानी कि आपको सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना है और देखना है कि सब्जेक्ट वाइज सबसे वीक टॉपिक कौन सी है और उन सभी वीक टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज अलग कर लेना है और फिर उन्हीं वीक टॉपिक से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये नहीं कि आपको पता चल गया 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लग गए शुरू से सिलेबस को कवर करने की रेस में, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको सिलेबस कवर नहीं करना, आपको सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको चार सेक्शन बनाने हैं, जैसे कि एक हमारा जनरल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस करंट अफेयर हो गया, चार पेजेस के ऊपर चेक सेक्शन बना लीजिए। सबसे पहले जनरल साइंस उठा लीजिए और आपने जनरल साइंस का सिलेबस भी उठा लिया ग्रुप डी का और साथ ही आपने जनरल साइंस की एक बुक भी उठा ली। आपको एनालाइज करते हुए चलना है सिलेबस और बुक की, जनरल साइंस के अंदर से कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपका अभी तक कवर नहीं हुआ है अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक आपके अभी तक वीक रह चुके हैं। जैसे कि जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स में मान लीजिए मोशन आपका अच्छे से कवर नहीं हुआ है, उसको नोट कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको यही टॉपिक कवर करना है। दूसरा हीट आपसे कवर नहीं हुआ तो उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए पावर में आप वीक हो तो उसको नोट कर लीजिए। ग्रेविटी, ओम्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर अच्छे से कवर नहीं है तो उसको नोट कर लीजिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीएच वैल्यूज, गैसेस, जो जो वीक टॉपिक है उनको अलग निकालते चलिए, बुक लेकर बैठ जाइए, प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए, सभी वीक टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज निकाल लीजिए। ऐसे ही जीएस करंट अफेयर से मान लीजिए समिट्स आपके अच्छे से कवर नहीं है 2020-21 वाली, अलग निकाल लीजिए। डे और थीम कवर नहीं है, अलग निकाल लीजिए। नेशनल पार्क कवर नहीं है, अलग निकाल लीजिए। फोक डांसेस अगर कवर नहीं है उनको अलग निकाल लीजिए। सभी वीक टॉपिक आपको कवर अलग निकाल लेने, चाहे मैथ्स ही क्यों ना हो। मैथ्स का सबसे पहले आपने बुक खोली, देखा कि भाई परसेंटेज मेरा अच्छे से कवर है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका काफी हद तक कवर है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस के टाइप ऐसे हैं जो आप सोल्व नहीं कर पाते, तो उन सभी टाइप्स को अलग लिख लीजिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सोल्व नहीं कर पाता, काफी हद तक गलत कर देता हूं, आंसर नहीं ला पाता, तो इनके ऊपर मुझे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। तो भाई सभी वीक टॉपिक निकाल लीजिए, कुछ ही घंटों के बाद सब्जेक्ट वाइज आपके पास वो सभी वीक टॉपिक होंगे जो कि आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा वही क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते जिससे रिलेटेड आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर ना हुआ हो। तो सबसे पहला आपका काम यही है कि सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक को अलग निकाल लीजिए और उन सभी वीक टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और एक भी सिंगल टॉपिक नहीं बचेगा जो कि आपने अच्छे से कवर नहीं किया हो, जो टॉपिक आपको आता नहीं हो। यह गलती मत करिएगा कि शुरू से रिवाइज करने लग गए, पूरा सिलेबस शुरू से रिवाइज करने बैठ गए और 2 महीने में आपने सिलेबस ही रिवाइज किया। नहीं, पहले टॉपिक देखिए कि किस किस टॉपिक में आप वीक हो। लास्ट टाइम पे सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी मानी जाती है कि आप वीक टॉपिक को अलग निकाल के पहले उसी को ही खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बाकी की स्ट्रेटजी आपको आगे बताऊंगा, जो कि हमारा व्हाट टू स्टडी, मतलब सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको मोस्टली फोकस करना है स्टैटिक जीके का पोर्शन। स्टैटिक जीके में एग्जांपल के तौर पर हमारा फोक डांसेस हो गए, लोक नृत्य हो गए, फेस्टिवल हो गए, त्योहार हो गए, रिवर डैम लेक हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए सभी, साथ ही नेशनल मूवमेंट्स हो गई हिस्ट्री की, साथ ही फाउंडर ऑफ डायनेस्टी हो गई, यानी कि जो राजवंश होते हैं उनके फाउंडर संस्थापक एग्जाम में पूछे गए थे 2018 में, साथ ही फुल फॉर्म्स हो गई, कंप्यूटर रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी और जीएस में भी पूछी जाएंगी, फर्स्ट इन इंडिया हो गई, और भी काफी सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो आपको मोस्टली फोकस करने पड़ेंगे। और बाकी आपको बता चुका हूं, हमारी खुद की जो वे टू सक्सेस की ये बुक है इसके लास्ट 50-60 पेजेस पर स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर है, उनको कवर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हो मेरा भी प्लान है तो एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, जहां पर मैं आपको
टॉपिक टॉप स्कोरिंग टॉपिक रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए जहां पर मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताऊं सेक्शन वाइज, तो कमेंट करके लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी, ठीक है। डिटेल्ड से एनालिसिस करके लाऊंगा, आपको पता ही है। तो भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको मोस्टली फोकस करना है स्टैटिक जीके के पोर्शन के ऊपर, वैसे आपको और भी करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं मोस्टली जो फोकस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो स्टैटिक जीके से बनेंगे, क्लियर है। अब आता है हमारा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, हर एक शिफ्ट में 9 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के ऊपर। इसमें आपको लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादातर फोकस करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर बनेंगे, लास्ट ईयर के करंट अफेयर बनेंगे। 3-3 सालों के करंट अफेयर देखे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, तो आपको मैक्सिमम 2 साल के तो करंट अफेयर कवर करने पड़ेंगे, यानी कि पूरा 2021 और पूरा 2020 के करंट अफेयर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने पड़ेंगे। अब कैसे करना है ये, आप बुक से भी पढ़ लीजिए, कोई भी बुक परचेज कर लीजिए जिसमें कम से कम 1 साल के करंट अफेयर दिए हो। मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर चुका हूं, हमारे खुद की वे टू सक्सेस की बुक है जिसमें 2021 के पूरे करंट अफेयर कवर कर रखे हैं, बल्कि अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी करंट अफेयर कवर्ड हैं। इस टाइप की कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, हमारी बात नहीं, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। बुक आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आप लेक्चर भी देख सकते हो करंट अफेयर के, देख सकते हो क्या, आपको देखने चाहिए, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। रिकमेंड कर दूंगा दी करंट अफेयर शो, ही आप पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो की, जिसमें लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर, हर संडे करंट अफेयर हम लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े एपिसोड नहीं होते, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के होते हैं, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, 1.5 साल के करंट अफेयर आपको वहां पर मिल जाएंगे। बुक से भी पढ़िए, अच्छा रिवीजन होगा, और साथ ही आप लेक्चर भी देखिए, करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी। करंट अफेयर के मोस्टली जो टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे ऐसे हैं, जैसे कि इंपोर्टेंट डेज और थीम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, समिट्स जितने भी सम्मेलन हुए 2020-21 में वो पूछा जाएगा, बुक्स और ऑथर 2020-21 में लिखी गई गारंटेडली पूछी जाएंगी, अवार्ड्स जो दिए गए 2021-20 में गारंटेडली पूछे जाएंगे, ग्लोबल इंडेक्स 2020-21 के जितने भी हैं, जिसके सूचकांक होती है हमारी वैश्विक सूचकांक, वे पूछे जाएंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, पावरफुल इंडेक्स, और साथ ही बहुत सारी मतलब जो हंगर इंडेक्स इस टाइप की, साथ ही मेजर स्कीम यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर योजनाएं बनी है उनसे क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में, अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां हुई है जैसे कि इंडियन नेवी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी हुई है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही स्टेट गवर्नर और सीएम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और भी कुछ टॉपिक है करंट अफेयर के, अगर आप बोलते हो तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे करंट अफेयर लास्ट 2 ईयर के, यानी कि लास्ट 24 मंथ्स के करंट अफेयर, 24 मंथ्स के करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में, जनरल साइंस के अंदर क्या क्या पढ़े, मोस्टली क्या क्या फोकस करें, किस तरीके से फोकस करें। जनरल साइंस के अंदर सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं नीचे मैंने लिख रखे हैं बताऊंगा, वो सभी आपको कवर करने पड़ेंगे, अलग अलग टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक वाइज बुक से कवर करिए, और साथ ही आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। जनरल साइंस का यही फंड है, यहां पर आप केवल बुक पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा, ना ही लेक्चर देख के आपका काम चलेगा, आपको जनरल साइंस के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर किसी बंद रूम के अंदर फ्रिज को खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसी पेपर के ऊपर अगर सुई को रख दें वो डूबेगी या फिर नहीं डूबेगी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए टॉपिक वाइज भी कवर आपको करना पड़ेगा, बुक से भी करना पड़ेगा, लेक्चर भी आपको देखने पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने पड़ेंगे, सही है। अब किस टाइप्स के टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि फिजिक्स के अंदर हमारा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम हो गया, अच्छे से कवर करना पड़ेगा, मोशन हो गया, इसके अंदर वर्क, एनर्जी, पावर है, ये कवर करना पड़ेगा, साथ ही हीट हो गया, साथ ही डोपलर इफेक्ट हो गया, जैसे कि टेम्परेचर के अंदर मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, लाइट आपको कवर करने पड़ेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, साथ ही इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, और भी बहुत सारे फिजिक्स के टॉपिक है, सभी आपको कवर करने पड़ेंगे।
साथ ही केमिस्ट्री में मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, एसिड, बेस, पीएच स्केल्स, पीएच वैल्यूज पूछी जाती है, ब्लड, यूरिन और साल्ट वाटर, मिल्क वगैरह की। साथ ही गैसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सीमेंट वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं ना। साथ ही बायोलॉजी का बड़ा पोर्शन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए बहुत सारे टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो मुझे लगता है बनाना ही पड़ेगा टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर, तो सोचेंगे उसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। तो भाई पूरा जनरल साइंस आपको डिटेल से कवर करना पड़ेगा, बुक से भी करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल बुक से आपको एक एक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, और साथ ही आपको लेक्चर इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना एक एक टॉपिक का, और साथ ही आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब फाइनली बात करते हैं बेस्ट मेथड टू स्टडी, यानी कि आपको अपने एग्जाम तक डेली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। यहां पर मैं आपको दो बेस्ट मेथड रिकमेंड करने वाला हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला मेथड है हमारा सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आप पहले एक सब्जेक्ट को कवर करें अच्छे से, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स उठा लिया, मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक आप कवर करिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, 10 दिन लग गया, 12 दिन लग गए उसमें। आपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली, साथ ही आपने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लिए, ठीक है। यानी कि पहले आपने मैथ सेक्शन कवर किया, आपको लग गए उसमें 15 दिन, यानी कि आपका मैथ्स अच्छे से कवर हो गया। जब 15 दिन मैथ्स कवर हो जाए उसके बाद आप दूसरा सेक्शन उठा लीजिए, उसके बाद मान लीजिए आपने रीजनिंग उठाया, रीजनिंग में आपके 10 दिन लग गए, 10 दिन में आपने रीजनिंग अच्छे से कवर कर लिया, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आपने उठा लिया जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको 25 से 30 दिन लग गए, फिर आपने जनरल साइंस कवर किया। यानी कि यहां पर आप डेडिकेटेडली एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, इस तरीके से भी आप कवर कर सकते हो, यह भी एक बेटर तरीका माना जाता है। यहां पर आप प्रॉपर सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हो, यहां पर किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं है माइंड पे, कोई दूसरा सब्जेक्ट कंफ्यूजन डाइवर्जन क्रिएट नहीं कर रहा है, यह एक बेटर तरीका माना जाता है। और जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, मैंने लिखा हुआ है प्लस मॉक टेस्ट इन लास्ट, यानी कि जब सारे सेक्शन कवर हो जाए उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ टाइम बचेगा उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओ, ये भी एक बेटर तरीका है। लास्ट में मॉक टेस्ट और पहले सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट पर डे, यानी कि आप डेली दो दो सब्जेक्ट को कवर करते हुए चल रहे हो, प्लस 1 मॉक टेस्ट ऑन 1 डे गैप, यानी कि आपने एक दिन में कोई 2 सब्जेक्ट को कवर किया, जैसे कि पहले दिन आपने जनरल साइंस और मैथ्स को कवर किया, 2-2 घंटा आपने मैथ्स जनरल साइंस को दे दिया, फिर 2.5-2.5 घंटा आपने दे दिया, फिर नेक्स्ट डे आप किसी एक सब्जेक्ट को ले रहे हो या फिर दोनों सब्जेक्ट को ले रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप चल सकते हो। फिर तीसरे दिन आपने 2 अलग सब्जेक्ट ले लिए, इस तरीके से चल सकते हो, यानी कि एक दिन में आप यहां पर 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, यह भी एक बेटर तरीका है। लेकिन काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं 1-1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दूंगा, यह बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं होता। केवल आपको डेडिकेशन के साथ मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे तो आपके माइंड में डाइवर्जन क्रिएट होता है, क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट डाइवर्जन क्रिएट करता है, आपको डेडिकेशन के साथ वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करने देता। तो भाई जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही सेक्शन के ऊपर टाइम दे, या फिर 1 ही सेक्शन के ऊपर टाइम दे, एक दिन में 1 सब्जेक्ट को पढ़े या फिर 1 दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़े, और एक दिन के गैप पे आप 1 मॉक टेस्ट लगाते हुए चलें। इससे बेनिफिट ये होगा, आपको अपनी कमियों का पता चलता जाएगा कि हाँ मेरे अंदर फिलहाल ये कमी है, तो आपके पास टाइम रहेगा, आप अगले दिन उस कमी के ऊपर काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास फिलहाल टाइम है, ठीक है। आपको लगा कि हाँ यार रीजनिंग का ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहा हूं, तो पहले आप उसी टॉपिक को देखिए, उसी टॉपिक को कवर करिए, तो ये एक बेटर तरीका है कि आप एक दिन के गैप पर मॉक पेपर भी सोल्व करते हुए चल रहे हो, तो आप इस तरीके से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये बेटर तरीके हैं दो, आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कवर कर रहे हो सभी चीजें। बाकी मैंने
आपको एक फॉर्मेट शेयर किया था शुरुआत में कि आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अब ये तीन काम आपको जरूर करने पड़ेंगे। अब आप इसको अपने तरीके से फॉलो करिए या फिर जो मैंने आपको बताया उस तरीके से करिए, लेकिन एग्जाम से पहले ये तीन काम होते रहने चाहिए। यानी कि टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट के ऊपर काम करते हुए चलना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं 2018 के। बाकी बुक मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूं, उन बुक से प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी फोर्स या फिर कोई भी दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप जानते हो। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चीजों को समझ भी गए हो। वीडियो पसंद हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।